तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई रिफ्रेशिंग वीडियो के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं बोल्ट ऑडियो प्रोबेस बूस्ट की। इसकी अनबॉक्सिंग मैं पहले भी कर चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर, लेकिन उस वीडियो के अंदर मैं अपना 100% नहीं दे पाया था। उसके अंदर मैंने जो स्पेक्स हैं वो भी ठीक ढंग से नहीं बताए थे, मतलब मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि ना तो वेबसाइट के ऊपर वो पूरी तरीके से मेंशन थे। अगर मैं बात करूँ अमेज़ॉन की तो वहाँ पर भी पूरी तरीके से मेंशन नहीं थे। तो आज पूरे स्पेक्स और इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है, माइक्रोफोन की क्वालिटी है और कैसा कंफर्ट है इस हेडफोन का, सबकी बात करेंगे। तो जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे मिल जाती हैं। और एक चीज़ और मैंने इसलिए दोबारा ये मंगाया क्योंकि इसके अंदर जो पहले ऑक्स केबल मिल रही थी वो कुछ अच्छी तरीके की देखने को मिल रही थी, और यहाँ पर काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि भैया हमें वैसी ऑक्स केबल नहीं देखने को मिल रही और वैसी एसेसरीज नहीं देखने को मिल रही। तो उसके लिए मैंने दोबारा इनको बाय किया है और देखना चाहता हूँ कि ऑक्स केबल अब की बार कैसी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर है कुछ इसके डॉक्यूमेंटेशंस, जिसके अंदर इसका एक साल की वारंटी कार्ड और यहाँ पर इसका यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो इसकी ऑक्स केबल और चार्जिंग केबल है वो कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, जो लास्ट टाइम मैंने जो मंगाया था तो वहाँ पर मुझे ऑक्स केबल और जो उसकी माइक्रोफोन की जो केबल है वो कैसी देखने को मिली थी। तो दोनों में डिफरेंस ज़रूर है, वहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन यहाँ पर आपको एक नॉर्मल जो एसेसरीज़ हैं वो देखने को मिल रही हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो हेडफोन है क्या वो उसी तरीके का है। जी हाँ दोस्तों, ये हेडफोन लगभग उसी तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। बस मुझे ये थोड़ा सा राउंड अब ज़्यादा दिख रहा है, थोड़ा सा पहले कुछ इस तरीके का आया था, लेकिन अब की बार थोड़ा इसके अंदर कर्व आपको देखने को ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से बात कर लेते हैं अपने इस हेडफोन की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसकी डिज़ाइन के बारे में। तो यहाँ पर आपको कर्व वाली डिज़ाइन है वो देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको ब्लैक और रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये पूरा स्ट्रैप मेटलिक है, यहाँ पर जो पूरी डिज़ाइन है आपको मेटलिक देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके एयर कप्स की। तो यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है ये पूरी एल्यूमिनियम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, जिससे इसकी जो फिनिश है वो और भी प्रीमियम और थोड़ी स्टडी मुझे देखने को मिल रही है। अगर मैं ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ तो एकदम स्ट्रेट पे कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पर जो ड्यूरेबिलिटी है काफ़ी टॉप नॉच मिलती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको कुशनिंग मिलती है, काफ़ी पतली कुशनिंग है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत जो कुशनिंग है वो देखने को मिलती है, आपका हेड जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसके एयर कप्स की। तो यहाँ पर जो एयर कप्स मिलते हैं वो आपको मिलते हैं राउंड शेप के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हो ओवर द ईयर सेटअप के साथ आते हैं ये, लेकिन जो इनका शेप है वो राउंड है। कुशनिंग काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ की हुई है। और क्या ये निकल जाते हैं? अगर आप इनको निकालना चाहते हो तो ये निकलेंगे नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं निकलेंगे। अगर आप निकल गए तो इसे लगाने में, इन कप्स को लगाने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बात कर लेते हैं इनकी नॉइस आइसोलेशन की, क्या ये पहनने के बाद आपको जो बाहर का साउंड है वो आता है या फिर नहीं आता? तो पहनने के बाद काफ़ी हद तक जो साउंड है बाहर का वो काफ़ी रोक देते हैं एयरकप्स, और इनको ऑन करने के बाद तो बिल्कुल आपको, अगर साथ में भी कोई इंसान बैठा है तो उसकी जो वॉइस है वो आपके कानों तक नहीं पहुंचेगी। अब बात करूँ इनकी साउंड लीकेज की। तो यहाँ पर जो लास्ट टाइम मैंने मंगाए थे उसके अंदर साउंड लीकेज कम थी, लेकिन यहाँ पर मुझे साउंड लीकेज देखने को मिली। उसका भी मैं टेस्ट आपको दिखाऊंगा कि कितनी साउंड इसमें से लीक होती है। अब बात कर लेते हैं इसके पोर्ट्स एंड बटन्स की। तो यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको प्ले, पॉज और नेक्स्ट, प्रीवियस या फिर वॉल्यूम रॉकर्स के जो बटन्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके नीचे यहाँ पर आपको माइक्रो यूएसबी के लिए चार्जिंग स्लॉट देखने को मिलेगा, उसके साथ में आपको एक छोटी सी ब्लिंकिंग लाइट देखने को मिलेगी, और उसके साथ में ही आपको 3.5mm का जो जैक है उसको यूज़ करने का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। उसके ऊपर यहाँ पर आपको एक माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाएगा, जिससे आपकी जो ऑडियो है वो दूसरे इंसान तक जा सकती है, कॉलिंग में बेसिकली आप इसको यूज़ कर सकते हो। बात कर लेते हैं इसके कुछ डिजिटल फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको जो ब्लूटूथ है वो मिलता है 5.0। इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न थी मुझे भी और लोगों को भी, क्योंकि कहीं आपको 4.2 देखने को मिलेगा, जैसे कि अमेज़ॉन की अगर आप साइट्स पर देखते हो तो वहाँ पर आपको 4.2 देखने को मिलेगा, जबकि इमेजेस में वहाँ पर 5.0 देखने को मिलता है। तो ये कन्फ्यूजन से भरा था। अब ड्राइवर्स की बात करूँ तो यहाँ पर इसमें भी कन्फ्यूजन था, क्योंकि बोर्ड पहले नहीं शो कराता था उनके ड्राइवर का साइज़ क्या है।
पहले मुझे देखने को मिल गया था कि यहाँ पर आपको 50 mm के ड्राइवर साइज देखने को मिलते हैं, लेकिन अब इनकी ऑफिशियल साइट के ऊपर ये पूरी तरीके से मेंशन है कि इस हेडफोन के अंदर आपको 40 mm के जो ड्राइवर साइज हैं वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 20 मीटर की जो रेंज है वो देखने को मिलती है। इस हेडफोन के अंदर आपको IPX5 की रेटिंग मिलती है, यानी कि स्वेट प्रूफ या फिर थोड़ा बहुत जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं उससे इस हेडफोन को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी साइज़ की, तो यहाँ पर आपको 10 घंटे का जो बैटरी प्ले टाइम है वो देखने को मिलता है, और मुझे लगता है डिसेंट है, इतना कोई खास भी नहीं है और इतना ख़राब भी नहीं है, काफ़ी हेडफोन में इससे नीचे भी देखने को मिलता है अगर मैं प्राइस पॉइंट के हिसाब के बात करूँ तो। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है और वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे कि यहाँ पर आपको ऑडियो क्वालिटी कैसी मिलती है और लेटेंसी का इशू कितना है या फिर साउंड लीकेज कितनी है और क्या इसका 10 मीटर या 20 मीटर वाली जो रेंज है वो काम करती है या फिर नहीं करती। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके माइक्रोफोन की क्वालिटी की, तो यहाँ पर अभी जो ऑडियो क्वालिटी आप सुन पा रहे हो ये सुन पा रहे हो मेरे इस माइक्रोफोन से, इसके बाद अब जो ऑडियो क्वालिटी आप सुन पा रहे हो ये सुन पा रहे हो बोल्ट ऑडियो प्रो बैस बूस्ट के माइक्रोफोन से, और यहाँ पर मैं आपको चेक कराता हूँ तो आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि इसकी जो माइक्रोफोन की क्वालिटी है वो किस तरीके से काम करती है और कितनी क्लैरिटी के साथ वॉइस आती है दूसरे इंसान तक। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी की, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसमें जो ऑडियो आता है या फिर वोकल्स हैं, वोकल्स में आपको कोई कमी नहीं लगेगी, आपको एक एक डायलॉग और जो सॉन्ग के जो लिरिक्स हैं वो आपको क्लैरिटी के साथ सुनने को देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद कर लेते हैं यहाँ पर मिड्स की, तो मिड्स मुझे थोड़े से और इन्हेंस लगे इस हेडफोन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको जो बैकग्राउंड में डिटेलिंग है साउंड की वो ज़्यादा अच्छी तरीके से सुनाई देती है। बेस की अगर मैं बात करूँ तो बेस आपको लग सकता है कि ठीक है, लेकिन हल्का सा मुझे कम लगता है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर ट्रेबल काफ़ी तरीके से मॉडरेट है, और बेस में अगर नॉर्मली तरीके से आप यूज़ करते हो नॉर्मली डेली लाइफ में तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है, लेकिन अगर आप किसी हेडफोन से कंपेयर करते हो जो कि मैं जल्दी ही करने वाला हूँ इसका जो कंपेरिजन है बोट K550 से, तो वहाँ पर मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊँगा कि यहाँ पर जिसकी बेस है क्या वो बोट K550 से कम है या फिर ज़्यादा है, या उन दोनों ही हेडफोन्स में ऑडियो क्वालिटी में कितना डिफरेंस है। अब ओवरऑल अगर मैं इस हेडफोन की बात करूं कि ये 1400 या 1500 रुपए की रेंज के अंदर आपको देखने को मिल रहा है और आपको क्या ये खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, तो दोस्तों बात कर लेते हैं क्या हेडफोन आपको 1500 रुपए के अंदर लेना चाहिए या फिर इसके अलावा कोई और हेडफोन्स हैं जो आपको ले लेने चाहिए। तो यहाँ पर ये हेडफोन उन लोगों के लिए है जिसको बिल्ड क्वालिटी थोड़ी मजबूत चाहिए, मेटलिक के अंदर बिल्ड क्वालिटी चाहिए, प्लास्टिक उनको नहीं पसंद, और ओवर द ईयर चाहिए। यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम की जो केसिंग है वो देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपको काफ़ी डिसेंट अमाउंट में जो साउंड क्वालिटी है, लाउडनेस भी चाहिए, तो आप इस हेडफोन को ले सकते हो 1500 रुपए की रेंज के अंदर। वरना यहाँ पर अगर आपको इसके कुशनिंग से या फिर इसकी जो शेप है राउंड शेप से इसे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बोट K550 की तरफ भी जा सकते हो, वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे जो ऑप्शंस हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मेटेलिक बिल्ड मिलती है, वहाँ पर आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलती है। तो यही डिफरेंस है, बाकी इसके और भी कॉम्पिटिटर अब आ गए हैं, पहले मैं इस हेडफोन को रिकमेंड जरूर करता था लेकिन कॉम्पिटिटर्स काफ़ी हैं और जो प्राइस है वो भी सेम हो चुकी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा हेडफोन लेना चाहिए। बाकी जो चीज़ें थी इसके बारे में जो डिटेल थी वो मैंने सब बता दिया आपको। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं और भी लाता रहता हूँ। और इसके बाद बोट 550 का कंपैरिजन भी मैं ज़रूर लेकर आऊँगा इस हेडफोन के साथ, क्योंकि सेम प्राइसिंग के अंदर दोनों हेडफोन्स आपको देखने को मिलते हैं। बाकी मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।